हेलो, मैं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम नागपुर की मेट्रो में चलेंगे। आपने तो बहुत सारे सफर देखे होंगे रेलवे के, लेकिन आज हम मेट्रो का भी देखेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ रहेगा 5 रुपए में। और हम आज वर्ल्ड की सारी सुविधाएं देखेंगे। चलिए चलते हैं। तो हम है अभी नारी रोड स्टेशन में, और यहाँ से हम हमारी यात्रा शुरू करेंगे। और हम यहाँ से जाएंगे सीताबर्डी स्टेशन तक। तो आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड अमित कुशवाहा भी जाएंगे, जो कि मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे। हाय कर दो अमित। चलो चलते हैं साथ में। भैया, यहाँ स्टेशन के बाहर में ही एक माई बाइक हब बना है, जहाँ पर कि ये माई बाइक की साइकिल्स लगी हुई है। इसका ऐप डाउनलोड करके आप ये साइकिल को लीज पर ले सकते हैं 1 या 2 घंटे के लिए, या फिर अपने हिसाब से उसमें सारे प्लान्स दिए होंगे। तो ये यहाँ पर एक सुविधा हो गई। अब हम चलते हैं आगे लिफ्ट की तरफ। तो ये है नारी रोड स्टेशन, और यहाँ पर आप ये जो भी पार्किंग देख रहे हैं, ये टोटली फ्री है। यहाँ पर देखिए नेक्सा का शोरूम भी है, लेकिन यहाँ पर आप जितनी भी गाड़ियाँ लगाएंगे, भले ही नागपुर का कोई भी मेट्रो स्टेशन हो, वहाँ हर जगह पार्किंग फ्री ही है। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी सुविधा हो गई, और सिर्फ 5 रुपए में आपको फ्री पार्किंग भी मिल रही है। तो ये देखिए यहाँ पर लिफ्ट आ चुकी है, चलते हैं अब हम अंदर की तरफ। ये यहाँ हमारी लिफ्ट खड़ी है, चलो अमित आ जाओ। अब ये जो लिफ्ट है, ये हमें कॉनकोर्स तक लेके जाएगी। कॉनकोर्स मतलब कि जहाँ पर टिकट्स मिलते हैं और जहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है। देखिए ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ हम दोनों खड़े हैं। तो ये हम आ चुके हैं कॉनकोर्स फ्लोर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पर टिकट ऑफिस रहेगा, ये देखिए टिकट्स लिखे हैं। तो अब हम जाके टिकट्स लेते हैं और चलते हैं मेट्रो के अंदर। अब मेट्रो की टिकट्स आप काउंटर से ले सकते हैं, वहाँ पर लगी ऑटोमेटिक मेट्रो टिकट बुकिंग मशीन से भी आप बुक कर सकते हैं, या तो फिर नागपुर मेट्रो का ऐप डाउनलोड करके भी आप टिकट्स को बुक कर सकते हैं। अब हमने वहाँ पर लगी हुई मशीन से टिकट्स निकाली, जिसका कॉस्ट हमें 10 रुपये पड़ा, मतलब कि दोनों का मिला के 5-5 रुपये। और ये देखिए हमारी टिकट्स आ चुकी हैं। ये देखिए अमित ने टिकट दिखाई और ये निकल चुके हैं। ऐसे ही हमारा भी एक QR कोड वाला टिकट है, उसको हम यहाँ दिखाएंगे। ये देखिए खुल चुका है, चलते हैं अंदर की तरफ। और अब ऊपर देखिए, यहाँ पर दोबारा एक लिफ्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पर एस्केलेटर्स भी लगे हैं, जो कि ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ हमें लेके जाएंगे। तो अब चलते हैं ऊपर लिफ्ट, लिफ्ट से प्लेटफॉर्म की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर पीछे लिफ्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम एस्केलेटर भी देख रहे हैं। तो अब हम एस्केलेटर में चलते हैं ऊपर की तरफ, चलो हमें। और ये देखिए ऑटोमेटिक एस्केलेटर थी, मतलब कि जब हम यहाँ पर पैर रखें उसके बाद ये स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ कोई नहीं रहेगा, तो ये एस्केलेटर अपने आप ही बंद हो जाएगी, जिससे कि बिजली की बचत हो रही है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर मेट्रो स्टेशन में टॉयलेट्स भी दिए गए हैं, और टॉयलेट्स यहाँ के बहुत ज़्यादा साफ और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हम जेंट्स वॉशरूम में चले गए हैं, और यहाँ पर आप देखिए कितना बढ़िया से सब कुछ बनाया गया है, जैसे कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर कोई होटल की तरह हो। यहाँ पर जितने भी नल और साथ ही साथ फिटिंग्स थी, वो सारे के सारे जैक्वार कंपनी के लगे थे, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। लेकिन देखते हैं नागपुर के लोग इसे कब तक अच्छा रखते हैं। साथ ही यहाँ पर हैंड ड्रायर और टिश्यू डिस्पेंसर भी दिया गया था। साथ ही हर स्टेशन में पानी पीने की भी सुविधा है, ये अमेरिकन स्टाइल में पानी पीने का बनाया गया है। तो नागपुर मेट्रो 3 डिब्बों की चलती है, जिसमें से एक डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। अब भैया हमारी मेट्रो आ चुकी थी, इसलिए हम जल्दी में महिलाओं के कोच में चढ़ गए, लेकिन फिर उसके तुरंत ही बाद हम आगे की तरफ चले गए। और यहाँ आप देख सकते हैं नागपुर मेट्रो का शानदार इंटीरियर। तो यहाँ पर साइकिल भी लाई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ नागपुर मेट्रो आपको अलाउ करती है साइकिल लाने के लिए, बाकी और पूरे इंडिया में कोई भी मेट्रो ऐसा अलाउ नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं ये लिफ्ट से हम ला सकते हैं डायरेक्टली, और इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, हम ऐसे ही साइकिल्स ला सकते हैं। और यहाँ हमारी मेट्रो ने रफ्तार पकड़ ली है। नागपुर मेट्रो 80 की स्पीड से ऑपरेट होती है, और इसका एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन बहुत फास्ट है, बिल्कुल लोकल ट्रेन्स की तरह है। ये पहला स्टेशन कड़वी स्क्वायर आ चुका है, और साथ ही साथ यहाँ दरवाजे के ऊपर में ही आपको दिखाई भी देता है कि कौन सा स्टेशन आया है। मेरा नाम है कुशाग्र सिंह। ये देखिए हाँ, ये एक साइकिल जा रही है, और साथ ही साथ दूसरी साइकिल भी यहाँ पर आ रही है।
तो मेट्रो के हर कोच में पावर प्लग्स भी दिए गए हैं, जिससे कि आप अपना फोन या लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं अपनी जर्नी के दौरान। और साथ ही यहाँ पर इमरजेंसी पुश टू टॉक बटन दिया गया है, जिसे कि आप दबाकर लोको पायलट से बात कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो नागपुर मेट्रो के टोटल दो रूट्स हैं, एक रूट का नाम है ऑरेंज लाइन और दूसरा है एक्वा लाइन। तो हम अभी फिलहाल ऑरेंज लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि ऑटोमोटिव स्क्वायर से खापरी की तरफ गई है, और दूसरी एक्वा लाइन है जो कि प्रजापति नगर से लुकमान्य नगर तक गई है। तो ये था नागपुर मेट्रो का फेज वन, और साथ ही साथ इसके आगे भी काम चल रहा है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी आए थे, जो कि भूमि पूजन करके गए हैं, और आगे का काम भी जल्दी शुरू होगा, जिसमें कि नागपुर में आपको ब्रॉड गेज मेट्रो देखने को मिलेगी, जो कि इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पर चलेगी, और यहाँ आप नागपुर शहर का आनंद लीजिए इन व्यूज के साथ। तो ये जो सामने आप केबल ब्रिज देख रहे हैं, इसका नाम है रामझूला, जो कि बिल्कुल नागपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर में बना हुआ है, और आप देख सकते हैं मेट्रो से ये कितना शानदार दिख रहा है। अब हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं सीतावर्डी इंटरचेंज रेलवे स्टेशन में। अब इंटरचेंज इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो दोनों लाइन्स है, मतलब कि ऑरेंज लाइन और एक्वा लाइन, वो दोनों हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं नागपुर मेट्रो में। बहुत लोग पहले बोलते थे कि नागपुर में मेट्रो सक्सेसफुल नहीं रहेगी, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। नागपुर में मेट्रो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाता हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ चलती है कभी कभार मेट्रो में। ये क्लिप्स को भी मैंने ही रिकॉर्ड किया था पहले के समय, जो कि अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ रहती है कभी कभी। तो यहाँ से दिखता है कि नागपुर मेट्रो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है। और अब हम फाइनली सीतावर्डी इंटरचेंज स्टेशन से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ हमने हमारा टिकट स्कैन कर लिया है और अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। और ये देखिए सीतावर्डी इंटरचेंज रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों में कितनी बढ़िया डिजाइन्स बना के रखी है, जिसमें कि शेर और साथ ही साथ मोर भी दिख रहे हैं। तो हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं, मतलब कि सीतावर्डी, और यहाँ से ट्रेन जो है वो खापरी की तरफ निकल चुकी है, और अब हम यहाँ पर अपना सफर एंड करते हैं। तो आ चुके हैं अब हम मेट्रो से सफर करके। अब हम अमित से जानते हैं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो बताइए अमित, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेट्रो में। नागपुर मेट्रो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भीड़ होती है थोड़ी मोड़ी, संडे को तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये सक्सेसफुल है ना? पूरा सक्सेसफुल है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी खासी है नागपुर की। नागपुर मेट्रो आपको कैसा लगा, मतलब एकदम अच्छी थी? इंटीरियर वगैरह कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत था, 10 out of 10 है नागपुर का मेट्रो। और अब यहाँ मेट्रो की संख्या बढ़ानी चाहिए ना, क्योंकि हाँ। 15 मिनट में एक चलती है, और अब मेट्रो को लगभग हर 10 मिनट में कर देना चाहिए या फिर हर 5 मिनट में कर देना चाहिए। और ये हमारे साथ एक और लड़का है, इसका नाम समर्थ है। और समर्थ, तुम स्कूल जाते हो मेट्रो से? हाँ, मैं मेट्रो से स्कूल में आना जाना करता हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है आपको? नहीं, मैंने अपना महाकार्ड भी बना लिया है मेट्रो में। कैसी लगती है मेट्रो? अच्छी लगती है? मेट्रो बड़ी अच्छी है, उसके अंदर का इंटीरियर भी बड़ा अच्छा है। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। और हाँ, एक चीज और, अब जो 5 रुपए की टिकट है ये मिनिमम फेयर है, मतलब कि अगर आप कम दूरी वाले स्टेशन में यात्रा करेंगे तो आपको 5 रुपए लगेगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा लंबी दूरी के स्टेशन में जाएंगे तो फिर आपको 10 रुपए टिकट लगेगी, और साथ ही साथ अगर आप एकदम एंड टू एंड जर्नी करेंगे तो आपको 20 रुपीज टिकट लगेगी। लेकिन अभी फिलहाल आपने देख लिया कि 5 रुपए में आप कितनी सारी सर्विसेज का आनंद ले सकते हैं नागपुर मेट्रो में। अब यहाँ पर पार्किंग फ्री है, वॉशरूम फ्री है, और साथ ही साथ साइकिल ले जाना भी फ्री है।